महिला चिकित्सक, एक नर्स और एक वार्ड बॉय के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची होटल ग्रीन पैलेस। मिली थी पीड़िता की तबियत खराब होने की सूचना। आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता की तबियत खराब हो गई है। ये सूचना जब मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीम होटल पहुंची है एक नर्स और वार्ड बॉय के साथ, जहां पर इलाज किया जा रहा है। महिला डॉक्टर और नर्स पहुंची होटल ग्रीन पैलेस, जहां पर पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। पीड़िता की तबियत अचानक से बिगड़ गई है। कल पीड़िता को लखनऊ लाया गया था मेडिकल जांच के लिए, इसके बाद फिर से वापस उन्नाव भेज दिया गया। ग्रीन पैलेस होटल में रखा गया है पूरे परिवार को सुरक्षा के मद्देनजर। और फिलहाल खबर यानी मिली कि स्वास्थ्य विभाग को कि पीड़िता की तबियत अचानक से बिगड़ रही है और तबियत खराब होने के कारण महिला डॉक्टर और नर्स होटल ग्रीन पहुंची है, जहां पर इलाज किया जा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि उन्नाव से खबर आ रही है, इस मामले में आरोपी विधायक को 7 दिन के लिए CBI रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की तफ्तीश तेजी से हो रही है, मामले की जांच CBI कर रही है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि होटल ग्रीन पैलेस में पीड़िता की तबियत बिगड़ गई है, यानी कि पूरा परिवार को होटल ग्रीन में रखा गया है। और सुबह सुबह ये जानकारी मिली कि पीड़िता की तबियत खराब हो रही है। आखिर क्या हुआ है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ पर मेडिकल की टीम पहुँच चुकी है और पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। और सुमित अवस्थी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। अवनीश अवस्थी जुड़ गए हैं। अवनीश से क्या जानकारी मिल रही है? सर जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल CBI की जांच के बाद में पीड़िता को यहाँ पे लाया गया था। लाने के बाद में रात में 12 बजे CBI की टीम आती है और होटल आके फिर वापस जाती है यहाँ से उसके गांव जाने के बाद में वहाँ पे पूछताछ उससे जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जाते हैं। खंगाले के बाद में होने के बाद में फिर सुबह 4 बजे लगभग CIB टीम यहाँ से वापस जाती है लखनऊ। और सुबह अगर अपडेट बताएं तो यहाँ पे जो पीड़िता रुकी हुई थी, पीड़िता के रूप में उसकी सुबह अचानक तबियत खराब होती है और टीम आती है। आने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। महिला चिकित्सा, नर्स और 2 वार्ड बॉय साथ में रहते हैं। और होटल में अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे काफी लोग सुरक्षा बल मौजूद है जी। लेकिन क्या हुआ है इस बात की जानकारी मिल पा रही है? पीड़िता है, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है क्या हुआ है। शायद ब्लड प्रेशर हाई या लो का कुछ मामला ऐसा बोला है डॉक्टर रानी बाला ने। जी तो क्या अभी भी मेडिकल टीम वहाँ पर मौजूद है? मेडिकल टीम यहाँ से निकल चुकी है, अभी उसको रिलैक्स है, वो कमरे में सो रही है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम जो वहाँ पर पहुँची थी इलाज करके वहाँ से निकल चुकी है और पीड़िता की तबीयत अब स्थिर है। दवा देने के बाद नींद आ गई है और वो इस वक्त सो रही है। मामला उन्नाव का है। उन्नाव गैंगरेप मामले में जो पीड़िता है, पीड़िता की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम पहुंची और डॉक्टर ने इलाज करने के बाद वहां से डॉक्टर की टीम निकल चुकी है। पीड़िता की जो तबीयत है वो अब स्थिर है, ऐसी जानकारी संवाददाता के द्वारा हमें मिल रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि उन्नाव से खबर है, जहां पर उन्नाव गैंगरेप मामले में जो पीड़िता है उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर की एक टीम पहुंची, डॉक्टर ने इलाज कर दिया है और इस वक्त उसकी तबीयत स्थिर है, ऐसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, होटल ग्रीन में रखा गया है पूरे परिवार को। कल पीड़िता को लखनऊ लाया गया था मेडिकल जाँच के लिए। आज सुबह सुबह ये जानकारी मिली थी कि गैंगरेप पीड़िता की तबीयत खराब हो गई है। आपको क्या लगता है, कल कुलदीप ने CBI के सामने बयान दिया है कि 4 तारीख को वो यहाँ नहीं बल्कि कानपुर के किसी होटल में थे, जहाँ के CCTV उनके पास मौजूद है, क्या कहना चाहिए? जरूर CCTV देखो, कहने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता। सर CCTV बताएगी, पीड़िता बताएगी कुलदीप सिंह कहाँ थे,
और अभी आप क्या चाह रहे हो आगे? सीबीआई से लगातार पूछताछ जारी है, आज सीबीआई फिर माफी गई थी, और उसमें अभी क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस के बारे में हम नहीं कह सकते कि सीबीआई जो है कुछ छोड़ेगी नहीं, हर दिल्ली में आएगी, बाकी बहुत सारे जो नाम है सबूत है मैंने दिल्ली से मंगवा लिए हैं, देंगे। अभी कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? सारे लोग सीबीआई गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, गिरफ्तार करने की, बाकी